मसीह में मैं सब बहन भाइयों को सलाम। कल हम पतरस का पानी पे चलने के बारे में बात कर रहे थे और आज मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब पतरस पानी पे चलता है, जब उसकी नज़र यीशु से हटकर पानी पे, यीशु से हट के उस तूफ़ान पे, उस उन लहरों पे पड़ी, तो वो डूबने लगा। और जब हम पतरस की ये कहानी सुनते हैं और पढ़ते हैं कि पतरस जो है वो पानी में डूबने लगा, तो हमारा ज़्यादा ध्यान जो है वो पतरस के डूबने पर होता है। और हम कहते हैं कि इसको पानी पे चलने की ज़रूरत ही क्या थी, ये तो अब देखो डूब रहा है। और मतलब हमारा ज़्यादा फोकस उस चीज़ पर होता है। लेकिन मैं आज आपको एक फ़र्क नज़रिए से चाहता हूँ, अब इसी कहानी को थोड़े से फ़र्क नज़रिए से देखें। और हम भी ज़िंदगी में बहुत से काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं पे हमें कहीं शिकस्त का सामना ना करना पड़े, कहीं पे हमें कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं पे हम कोई गलती ना कर दें। और ये बचपन से ही ये सोच, ये ख्यालात, ये गलती ना करने का ख्यालात, ये हारने का ना ख्यालात, ये फेल होने का ना ख्यालात जो है, ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है कि हम डरते रहते हैं कुछ नया, कुछ अजीब, कुछ गैर कुदरती करने से, कुछ ऐसी चीज़ जो कि खुदावंद हम चाहते हैं कि हम करें। और कल मैं या नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि बाकी शागिर्दों ने क्यों नहीं वो आए और क्यों और उन्होंने क्या मिस आउट किया। लेकिन आज मैं पतरस के डूबने पर बात कर रहा हूं कि उसका डूबना जो है, उसका हारना जो है, उसका गिरना जो है, वो हारना नहीं था। क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान रखते थे, लेकिन पतरस एक वाहिद शख्स था यीशु के बाद जो कि पानी पर चल सका। उसके पानी पर चलने का जो एक्सपीरियंस, उसके जो पानी पर चलने का जो उसने अपनी ज़िंदगी में वो काम कर लिया है, वो इतना ख़ास है कि वो किसी और ने नहीं किया। और जब भी अब उसकी उस पानी पर चलने ने उसकी ज़िंदगी इसलिए तब्दील कर ली क्योंकि अब जब भी वो कुछ बड़ी मुश्किलात का, तकलीफ़ों का सामना करेगा, तो उसको याद आएगा कि मैं तो पानी पर चलने वाला हूँ, तो इस चीज़ को भी मैं जो है वो शिकस्त दे दूँगा। मैं जो है वो गैर कुदरती चीज़ें कर सकता हूँ, अजीब काम कर सकता हूँ खुदा के फ़ज़ल से, तो मैं ये सब चीज़ें भी खुदा के फ़ज़ल से जो है इन सब चीज़ों पर भी गालिब आ सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा ध्यान इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे, हमें शिकस्त होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 7 बिज़नेस खोले हैं, मैं 20 साल से जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, और मुझे लोग कहते थे कि अब बिज़नेस ना कर, तुझे पहले बहुत शिकस्त हुई है। लेकिन खुदा के फ़ज़ल से अभी 1 साल से हम जो है वो कोविड की वजह से अपने बिज़नेस में कई नुकसान उठा रहे हैं, कई तकलीफ़ात उठा रहे हैं, कई लॉकडाउन्स हैं और बहुत सारे कवानीन हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते, बहुत सारे नुकसान हो रहे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम अभी तक, हमारा रेस्टोरेंट जो है वो खुला हुआ है और अभी तक हमारा रेस्टोरेंट काम कर रहा है और अभी तक जो है हमें मुनाफा ला के दे रहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी। क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे बिजनेसेस फेल होने के बाद, एक होटल भी था मेरा, वो भी बंद हो गया, तो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं अब बिज़नेस ना कर, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी और फिर भी आगे बढ़ा। और मैं खुदा के फ़ज़ल से आज कामयाब हूँ और आगे और ज़्यादा कामयाब हूँ। और कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने डर को ख़त्म करते हैं कि हमने वो काम इसलिए नहीं करना कि हमें इससे डर लगता है। अगर खुदा ने हुक्म दिया, यीशु ने हुक्म दे दिया था कि आ तू पानी पे आ, तो हमने डरना नहीं है, हमने अपनी नज़रें यीशु पर रखनी है। और हमारे गिरने में भी, हमारे डूबने में, पतरस के डूबने में भी वो कुछ उसने सीखा। यीशु उसके पास आए और हाथ दिया और उसको उस समुंदर में से निकाल लिया। और हमारे डूबने में हमें पता लगता है कि वहाँ पर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि हमें उस घड़े में से या समुंदर में से या हमारी खाई में से या हमारे गिरने में से निकाल लेंगे। और दूसरी बात है, यीशु ने उसको कहा कि तूने क्यों शक किया, ईमान की कमी तेरे अंदर क्यों थी। और उसको कुछ सीखने को मिला कि उसका ईमान अभी कमज़ोर है, उसके अंदर शक है। और जब हम गिरेंगे और हमारी मदद होगी तो तब हम भी कुछ सीखेंगे। और ये सब कुछ सीखने के बाद वो फिर पानी पे चले, यानी कि गिरने के बाद वो फिर कामयाब हुआ, यीशु ने उसकी मदद की और फिर वो कश्ती में चढ़े। यानी कि अगर हम गिर भी जाते हैं तो यीशु हमें उठाएंगे और फिर हम दोबारा से अगर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे खुदा के फ़ज़ल से। और फिर वो कामयाबी
तभी जो है हमारी ज़िंदगी में हमें तरक्की देगी। लेकिन अगर हम डरते रहेंगे कश्ती में से बाहर निकलने पर ही कि हमने नहीं निकलना, कहीं हम डूब ना जाएं, तो फिर हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा एक्सपीरियंस, कुछ यूनिक, कुछ अजीब, कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस, और खुदावंद चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो ऐसी हो जैसी कि यीशु ने वादा कि मैं कैसी ज़िंदगी तुम्हें देने हूँ। तो वो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी दलेरी रखनी पड़ेगी कि हम कश्ती में से निकलें और पानी पे चल सकें। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आपको बड़ी तरक्की दे और आपकी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजरे, लेकिन उसके लिए पतरस की तरह थोड़ी हिम्मत और थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।